हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की, लास्ट ट्रेडिंग डे की बात हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 4% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता नज़र आ रहा है। पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक गिरावट के बाद 480 के लेवल पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो सकता है और अपनी इस हाई को ब्रेकआउट कर नज़र आ सकता है। और हम देख सकते हैं फाइनली आज के डेट में हमको लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमने टारगेट 520 और 524 के टारगेट को डिस्कस किया था। इमीडिएट टारगेट के तौर पर कहा गया था कि इसका तगड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है। स्टॉक ने बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट किया और 524 तक के टारगेट दिखाए। वहाँ से अब छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब जिस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है वही लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। 5508 का लेवल हम देख सकते हैं, उसी लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर अगेन रिकवरी दिखाई है। कोल इंडिया यहाँ से और बड़े टारगेट दिखा सकता है और बड़ी उड़ान हमको देखने के लिए मिल सकती है। चार्ट पैटर्न को भी देखें तो हमको लगातार हायर है यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। गिरावट के बाद जंप आ रहा है, रिकवरी आ रही है और स्टॉक इस जंप पे अपने हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ रहा है। अब यहाँ से स्टॉक ने लिया है रिजेक्शन, अपने सपोर्ट लेवल को 510-508 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 498-500 का जो लेवल एक तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।